नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको दाल फ्राई बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही इजी है। और ये आपको मैं दो दाल मिक्स करके बनाना बताऊंगी। मैंने ये दो दालों को मिक्स करके दाल बनाने बता रही हूँ आपको। 50 ग्राम मैंने तुअर का दाल और 50 ग्राम मसूर का दाल लिया है। आप दोनों दालों को मिक्स करके आधा घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए। ये मैंने दाल आधा घंटा भिगो के रख दिया था पहले से। अभी ये दाल थोड़ा फूल गया है। ये दाल के लिए और हमें तड़का मारने के लिए लगेगा बारीक कटा हुआ कांदा, 2 से 3 कलियां लहसुन की, छोटा पीस अदरक का और कड़ी पत्ता, और साथ में 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। और सूखा मसाला में लगेगा 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ये दाल मैं आपको डायरेक्ट कुकर में बनाना बताऊंगी। हम दो बार तड़का नहीं मारेंगे इसमें, डायरेक्ट तड़का मार के हम लोग दाल डाल के इसको बना लेंगे। तो मैंने 1 चम्मच तेल लिया है कुकर में, और अभी मैं इसमें कांदा डाल दूंगी जो मैंने बारीक काट के पहले से रखा हुआ था। कांदा को हम लोग लाल कर लेते हैं, फ्राई कर लेंगे। कांदा फ्राई हो गई है, लाल हो गया कांदा भी। अभी जो अदरक और लहसुन था हमने ग्रेट करके रखा है उसको, और अभी हम कांदा लाल होने के बाद में इसको डाल देंगे और उसको थोड़ा चला लेंगे। और उसके बाद में कटा हुआ बारीक टमाटर डालें। थोड़ा टमाटर डाल के हिलाने के बाद में जो हमारा सूखा मसाला था, हल्दी, मिर्ची, नमक पाउडर, ये सब डाल देंगे। और मसाला फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा टमाटर हमारा गल जाएगा, उसके बाद हम दाल डालेंगे। ये मसाला पक के रेडी हो गया। अभी हम इसमें जो हमने भिगा के हुए दाल रखी थी वो दाल डाल देंगे। दाल 2 मिनट हम ऐसे फ्राई करेंगे। और उसमें 1 ग्लास के करीब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी आप आपके हिसाब से डाल दीजिए, आपको जैसा पतला गाढ़ा डाल चाहिए वैसा। और अभी हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। और स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसमें कुकर में 2 सीटी लगा देंगे और कुकर को खुद ठंडा होने देंगे। दाल पक के तैयार हो गई है। फिर हम इसमें हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे। ये देखिए दाल तैयार हो गई है। इसको दाल फ्राई, दाल मसाला आप कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। अब दाल भिगा के रख देंगे तो ये फटाफट 2 सीटी मारेगा तो तैयार हो जाता है दाल। और अभी इसको आप दाल रोटी के साथ, चावल के साथ कैसा भी आप सर्व कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप ये दाल बनाना ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।